हेलो दोस्तों, मेरे बाबू को बहुत बड़ा आदमी बनाना है। मेरा पूरा कुछ भी हो जाए, आने वाला कल मेरे भाई के लिए बहुत पचास है। बाबा बग्गी वाले वीडियो अच्छे से बनाना। प्रभात चौधरी, भाई बैजनाथ चौधरी, भैया भैया हो गया। राम प्रणाम, नमस्ते। आप लोग का स्वागत है मेरी न्यू ब्लॉग वीडियो में। आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। और आज मैं जाने वाला हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, बारात। यहाँ पूरे में छह महीने के बाद आज मैं जाने वाला हूँ कहीं पर, मतलब कहीं पार्टी में जाने वाला हूँ। क्योंकि मैं छह महीने से अपने तख्ते पिता खटके पिता जो सोया था, मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, मेरा ऑपरेशन हुआ था रियल में। क्योंकि मैंने पुरानी वीडियो में आप लोग को बता दिया था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, जरूर देखना कि मेरे साथ क्या क्या। मेरी वीडियो बनाना बंद है क्या? तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले खुशी के बारे में। जी हाँ, ये देखिए, पहले हम पियेंगे। हमारे भैया पुलिस जो पहली बार इंजॉय कर रहे हैं, पीछे लगभग 25 से 30 लाख से अपना जान दे सकते हैं और दूसरों का जान ले भी। तो ये सबसे हम लोग को करना नहीं है, बट हम लोग को अपने वीडियो के बारे में जानकारी देना है। तो सबसे पहले जब मैं यहाँ से दोस्तों गया, तो फिर मैं सबसे पहले दोस्तों मैंने ब्लोरो में बैठा। ब्लोरो में बैठने के बाद हमने रास्ता को ट्रेवल करते हुए गया। फिर वहाँ पहुँचने के बाद पता चला बारात एकदम सज धज के रेडी है। सबसे पहले मैंने खाए वो क्या बोलते हैं आप लोग तो देखेंगे, तो पहले सबसे हमने खाए रसगुल्ले, तो कि एकदम ब्रांड वाले रसगुल्ले थे। खाने के बाद हम नमकीन भी खाए और ग्रुप में लिए सेल्फी। लेने के बाद हम कुछ बड़े बड़े नेताओं के साथ अपना फोटो लिए, पुनीत कुमार चौधरी, पिंटू, देख पा रहे हैं। और सब फोटो लेने वगैरह के बाद हम सब जब ग्रुप में फोटो ले, तो बहुत ही हमको एक्साइटेड फील हुआ कि हम फोटो ले रहे हैं। तो फिर मजा ऐसा आ गया। फोटो वगैरह लेने के बाद हम फिर निकल गए थोड़ा सा बारात में एंजॉय करने के लिए। बारात में जैसे हम एंजॉय किए, एक्चुअली क्या दोस्तों, मुझे तो डांस करने नहीं था, तो मेरे पास चाचा जी वीडियो कॉल कर दिए, जो कि वो है दुबई में। जी हाँ, तो वो मेरे पास वीडियो कॉल किया। मैं वीडियो कॉल में उनको इंजॉय कराया और आप लोग वीडियो कॉल में मैं उनको इंजॉय करा रहा था किस तरह से, जो कि वो भी इंजॉय के रूप में देख पा रहे हैं किस तरह से दारू का बोतल लिए अपने सिर पर और झूम रहे हैं। तो आप लोगों ने बहुत सारा इंजॉय किया। और तो दोस्तों उसके बाद जाने के बाद अब जयमाल सिस्टम वाला पर्पस बाकी था, क्योंकि यहाँ से अगवानी होना शुरू हो गया था। तो जाते 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 काफी डांस करने के बाद लगभग 1 किलोमीटर जाना था, सोच पा रहे हैं 1 किलोमीटर भाई। 11:30 बज गया था, 9 बजे से चालू किया, 11:30 बज गया था भाई। जाते जाते अगवानी करवाते करवाते सच बता रहा हूँ। उसके बाद वहां पर पहुंचने के बाद पता चला कि मुझे स्पेशल बुलाया गया प्रभात भैया और हमारे प्रिय बड़े भाई बैजनाथ और प्रभात भैया द्वारा हमको आमंत्रित किया गया बैठाने के लिए। और उनका थोड़ा सा हमको प्रमोशन भी करना था, क्योंकि उनका कॉन्टैक्ट नंबर देना था। तो आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप लोग प्लीज इनसे संपर्क करिएगा अगर आपको घोड़ा रथ या कॉन्टैक्ट करिएगा। और फिर जयमाल सिस्टम हम नहीं देख पाए, क्योंकि दोस्तों मुझे खाना था दवा, और दवा आप लोग तो समझ ही रहे होंगे कि मैं दवा अगर टाइम से नहीं खाऊंगा तो फिर मैं जीवित नहीं रहूंगा। तो इसलिए मुझे दवा खाना मेरा जरूरी था। तो फिर मैं रात में ही चला आया घर पर और आज है बोझ। तो प्लीज आप लोग वीडियो को आज एंड तक देखना, वीडियो को एंजॉय करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और हाँ, अभी जितने लोग हैं, तो दोस्तों ये रहा बहु भोज वाला सिस्टम। वाओ यार, क्या मजा था, एकदम अमेजिंग सा लग रहा था, सच बता रहा हूँ। मुझे तो कुछ वैसे खाना नहीं था, मैं तो थोड़ा बहुत खाया क्योंकि मुझे खाने थे, बस मैं एंजॉय करने के लिए वहां पर गया था। तो काफी एंजॉय किया और अच्छा लगा। और दोस्तों एक बात मैं बताऊं, मैं लाइफ में कभी भी कोई चीज नहीं खा सकता, मतलब जैसे फ्रूट खा सकता हूँ, दूध का सेवन कर सकता हूँ और जूस, यही सब। मैं कभी मोमोज नहीं खा सकता, समोसा नहीं खा सकता, चटर मटर नहीं खा सकता, मसाला अगर मैं खा लूंगा तो शायद मैं जीवित भी नहीं रहूंगा। ये मेरी लाइफ की लाइन है, मतलब एकदम तय है। जिस दिन मैंने लगातार 2 से 3 दिन मसाला खा लिया, उसके बाद मुझे लगभग करोड़ों किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब जान पा रहेगा सीधे प्रभु के दर्शन करने के लिए। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि प्रभु को बेटिंग दूँ अपना दर्शन करवाने के लिए, काफी दिन बाद दूंगा बुढ़ाने के बाद। तो आप लोग का अभी प्यार पाना बाकी है। तो प्लीज दोस्तों ये रहा मेरा कुछ स्ट्रगल कहानी। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्त को सपोर्ट, इसी तरह से आप लोग प्यार सपोर्ट देते रहो। और शॉर्ट वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग जाइए शॉर्ट वीडियो को एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच, लव यू आप सभी का, जितने लोग मेरे साथ में सेल्फी लिए, फोटो खिंचाई। ये रहा कुछ फल की बारी बारी करके प्यार से मेरे बाबू का फोटो फोटो खींचे भैया भाई।
देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ और बहुत ही अमेजिंग फील हो रहा है। ओ भैया संपर्क कर लीजिए भैया, अपना नंबर कॉन्टेक्ट में पचास है बाबा बग्गी वाले। ओके भाई मेरे थोड़ा रनिंग कराई है ना, बढ़ाओ इसको घोड़े को। ओके भाई वीडियो अच्छे से बनाना। प्रभात चौधरी भाई, बैजनाथ चौधरी भैया भैया रो गया क्या? हमारे भैया प्रभात भैया और बैजनाथ भैया, धन्यवाद और बहुत बहुत आप लोग को भी बधाई हो कि आप चाहने वाले हो भाई मेरे बाबू को बहुत बड़ा आदमी बनाना है। मेरा पूरा समर्थन है। तो दोस्तों वीडियो काफी बड़ा हो जा रहा है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना।